भिवंडी लोकसभा के चुनाव की सरगर्मी जो है काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। सभी पार्टी दल के लोग अपने अपने तरीकों से सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, जनता के बीच में जाने की शुरुआत कर चुके हैं। हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के देवनगर, जहां पर वहां की स्थानीय नगर सेविका और प्रभाग समिति 4 की चेयरमैन नाजिमा हरीस अंसारी द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। विशेष तौर पर इस सभा का आयोजन भिवंडी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश टावरे के हाथों को मजबूत करने के लिए रखा गया था, जहां पर स्थानिकों में भी एक खुशी की लहर देखने को मिली। हम आपको बता दें, इस सभा को संबोधित करने के लिए विशेष तौर पर भिवंडी सर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सोएब गुड्डू, पूर्व आमदार मोहम्मद अली खान, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पप्पू उराका, तारिक फारूकी, आरडी शिंदे, नगर सेवक वसीम अंसारी, मुख्तार खान, शकील अंसारी उर्फ पापा, हाजी नुमान खान, जुबैर अंसारी, जावेद खान, अंसार अंसारी सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस मंच पर मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी कर इस सभा को संबोधित किया। आप देख सकते हैं कि वहां पर महिलाएं भी हैं, काफी संख्या में वहां पर उपस्थित हैं। विशेष तौर पर इस सभा में भी कई एनजीओ और कई संस्था के लोगों ने सुरेश टावरे को हाथ को मजबूत करने के लिए समर्थन पत्र दिया। आप देख सकते हैं कि विरोधियों पर निशाना साधते हुए भिवंडी सर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सोएब गुड्डू, पप्पू राका ने क्या कहा, देखिए विशेष रिपोर्ट। हाल हुआ है, अगर वो हालात को बदलना है तो 29 तारीख को घर से निकल कर वोट करना है, और वोट अकेले नहीं करना है। घर से निकलते समय आजू बाजू हमारे दो पार्टी को वोट डलवा करके भारत देश में एक बहुत बड़ा बदलाव, जिस बदलाव से ये देश में जो अराजकता फैली है वो हम निकाल पाएंगे। ये एक ही मौका हमारे पास है, अगर ये मौका हम छोड़ दिए, ये मौका हमारे हाथ से निकल गया तो भाई और बहनों हमें अगली नस्ल माफ नहीं करेगी। उसके कारण है आज इस 5 साल में आप नोटबंदी से शुरुआत कीजिए, हमारा महामहिम पंतप्रधान रात में एक कमरे में सभी मंत्रियों को बंद कर देता है और बाहर आकर टीवी पे बोलता है रात में 8 बजे 2000, 1000 और 500 के नोट बंद हो गए। उनको ये पता नहीं चला रात में 8 बजे बंद कर नोटबंदी कर वो चले गए भारत देश को छोड़कर दूसरे देश में, और वहां जाकर ताली बजाकर बताता है देखो मैंने क्या किया भारत को, हमारी मदद बाहर गांव में जाकर उड़ा। यहाँ देश में तमाम लोग अपने पैसे बैंक में जमा कराने के लिए बैंकों के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं, घर में खाने को नहीं, हॉस्पिटल में पैसा देने को नहीं, दवाई खरीदने को पैसा नहीं, हर आदमी अपना पैसा बैंक में जमा करवा रहा है, खाने के लिए मोहताज हो गए लोग, एटीएम के लाइन में लग के पैसे कैसे निकाले वो देख रहे हैं, और ये बोलते हम चीन के विरोधी हैं और चीन के पेटीएम वाले को इधर लाए, और खुद हमारे महामहिम बोलते हैं पेटीएम डाउनलोड करो उसको वापरो। आपको याद होगा तो उस टाइम वो बताना था पेटीएम कहाँ का है, चाइना का है। ये लोग चाइना के महामहिम को बुलाकर अहमदाबाद में अलग अलग इलेक्शन आते हैं, महानगर पालिका का इलेक्शन अलग इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन एक अलग तरीके का इलेक्शन है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो ये इलेक्शन है ये पूरा देश का कानून पार्लियामेंट में बनता है, जो यहाँ से चुन के जाएगा वहां पे देश का जो कानून बनेगा और इस शहर के लिए जो आवाज उठाएगा। तो दोस्तों ये इलेक्शन में एक एक वोट, एक एक आदमी का एक एक वोट बहुत गिनती रखता है। आज ये 5 साल के हालात आपने देख लिया, 5 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से सरकार चलाई है सिर्फ जातिवाद के ऊपर, 5 साल में उन्होंने जो जो वादे किए थे उनके मैनिफेस्टो में जो उस मैनिफेस्टो के नाम से अभी वोट मांग रहे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया दिया जाएगा, 15 लाख तो दूर की बात,
जो हमारे अकाउंट खोलने के लिए 500 रुपए डिपॉजिट ले लिया गया उसी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। उसके बाद 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार रोजी रोटी से परेशान है और कितने नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं वो आज नशे की तरफ जा रहे हैं सिर्फ टेंशन की वजह से, क्योंकि उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो नशा कर रहे हैं लोग। और ये मोदी जी और अमित शाह कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पकौड़ा बेचेंगे, वो भी एक रोजगार है। और शर्म की बात है, कितनी तकलीफ से अपने माँ बाप भाई बहन अपने बच्चों को क्या नाम है पढ़ाता है लिखाता है ताकि बच्चों को तालीम मिले और आगे चले कुछ ना कुछ अच्छी नौकरी मिले। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात आज महंगाई को लेकर देख लीजिए, डीजल पेट्रोल का भाव ऐसा बढ़ गया, क्रूड ऑयल के हिसाब से 35 से 40 रुपया होना चाहिए था लेकिन आज देख लीजिए डबल भाव आज डीजल पेट्रोल का भाव हो गया है। उसके अंदर उसका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। गैस का सिलेंडर हमारे टाइम में कांग्रेस की सरकार में लगभग 250-300 रुपए में गैस का बाटला मिल जाता, आज 800 से 900 रुपए का गैस का बाटला मिल रहा है, वो भी 10 से 15% को लोगों को मिल रहा है, बाकी लोगों को मिल भी नहीं रहा है। कांग्रेस की सरकार ने 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल ये कांग्रेस सरकार ने किया था, लेकिन भाजपा की सरकार आई हमारा गेहूं और चावल 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल तो दूर की बात, अनाज बंद कर दिया, घासलेट रॉकेट बंद कर दिया। यहाँ पावर लूम बिजनेस है पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के बाद अगर कोई बिजनेस है भूमकर समाज का। आज पूरा भूमकर पूरे हिंदुस्तान में परेशान है। भिवंडी के अंदर 7 से 7.5 लाख लूम थे जिसके अंदर 2 से 2.5 लाख पावर लूम बिक चुके हैं और आज भी 1 लाख से 1.5 लाख पावर लूम बंद पड़े हुए हैं। आज टेक्सटाइल पॉलिसी की गलत होने की वजह से जितने रुपए हमारा यहां आता है उतना रुपए में चाइना बांग्लादेश से कपड़ा बन के आ जाता है तो हमारा कपड़ा खरीदेगा कौन। स्मृति ईरानी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर थी वो इधर आई थी भिवंडी के अंदर, कपिल पाटिल ने बुलाया था और बहुत से वादे किए थे कि पावर लूम को सब्सिडी दी जाएगी, पावर लूम को पैकेज दिया जाएगा, मजदूरों को पैकेज दिया जाएगा, लेकिन एक भी देने में का मैं समझता हूँ कि आने के बाद और मंदी ज्यादा से ज्यादा मंदी आ गई। रोकना है तो हमको सबको एक ढूंढना पड़ेगा, हमारे आपसी झगड़े जो भी होंगे वो आजू बाजू रखना होगा। और हमने सुरेश कौर साहब से खान साहब मैनोफेस्टो हमने जो बनाया है उसमें 2-3 चीज की मांगनी रखी है कि हमारे जो गरीब जनता हमारे गरीब मजदूर भाई अगर आज उनके पास इस शहर में इतना बड़ा शहर होने के बाद अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आईजीएम हॉस्पिटल में जाते हैं तो इनको दवाइयां नहीं मिलती, अगर औरतों को डिलीवरी होती है अपने बच्चों का मुंह दिखाया नहीं जाता वहां की 2500 रुपया मांगती है, इतना रिश्वत थोड़ी वहां पे आईजीएम हॉस्पिटल में चल रही है। तो हम लोग हमारी मांगनी है चुन के आते हैं खासदार हमारी सरकार बनती है 200 बेड का हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में दवाइयां मिलना चाहिए हमारे मजदूरों भाइयों को, उससे राहत मिलना चाहिए। ये मेरी सबसे पहली गुजारिश है। जो ये अनाज बंद हो चुका है और घासलेट बंद हो चुका है ये हमारी मांगनी है, तो घासलेट और अनाज हमारे गरीब भाइयों को मिलना चाहिए। दूसरा इस शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल न होने के साथ साथ हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज भिवंडी शहर के बाहर जाना पड़ता है। हमने एक मांगनी की है इस शहर के अंदर एक अच्छा मेडिकल इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे इस शहर के अंदर पढ़ सके और तालीम हासिल कर सके। इसी तरीके से बहुत से नौजवान बच्चे पढ़ने के लिए बॉम्बे जाते हैं और बहुत से लोग बिजनेस धंधे पाने के लिए बॉम्बे जाते हैं, तो उनके लिए एक लोकल ट्रेन इस शहर में होना चाहिए ताकि ट्रेन के लिए उसको राहत मिले। ये सब चीजों की बताए दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।